चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ रमेश सिंह ने खास बातचीत की, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम बोलता है और कांग्रेस सेवा के लिए जीतती भी है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने बिल्कुल प्रमाण पर है और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने अपना जो पत्ता था तुरुप का इक्का वो खोल दिया और ये बता दिया है कि अगर आप कांग्रेस को चुनेंगे तो मालामाल होंगे। स्थिति क्या है इसी बारे में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पवन खेड़ा जी हैं। पवन खेड़ा जी, क्या लगता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को चुनेंगे तो क्या वाकई मालामाल होंगे? हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, उसका रिकॉर्ड सबने देखा और आज कुछ लोग पछताते हैं, काफ़ी लोग पछताते हैं कि ये 5 साल का मौका भी इनको क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी को। अगर 5 साल जो बर्बाद हुए वो भी शायद बर्बाद नहीं होते अगर कांग्रेस को फिर से मौका दिया होता। तो कांग्रेस का काम बोलता है। दूसरी चीज़ें हैं जो आपके पूरे घोषणा पत्र में, जो संकल्प पत्र में आपने संकल्प लिया है न्याय के बाद, अब इस संकल्प पत्र में आप क्या देखते हैं, इन चीज़ों को पूरा कैसे करेंगे? संकल्प लेना तो आसान है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा? प्रदेश तो पहले बहुत कर जाइए। ये प्रश्न मुझसे तब भी पूछा गया था जब राजस्थान की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि पैसा कहाँ से लाओगे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने करके दिखाया। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी पूछा गया था, कमलनाथ जी ने और बघेल साहब ने भी करके दिखाया। कांग्रेस को मालूम है काम कैसे होता है। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए जीतते हैं, हम सेवा के लिए जीतते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशाओं पर कांग्रेस सवाल खड़ा करके मैदान में उतर रही है और जनता से वो चाहेगी कि वो कांग्रेस का समर्थन करे ताकि उनकी सरकार बने और एक बार फिर जनता जो है मालामाल हो। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।